बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अरबिशा नया व्लॉग्स में आप सबको वेलकम है। और व्लॉग प्रॉपर तरीके से बीच में नहीं मैंने अपलोड किया, बच्चों ने कुछ वीडियो बना ली थी फ़नी सी, तो वो मैंने अपलोड कर दिया था और आप लोगों ने बहुत पसंद किया, थैंक यू। और इसके अलावा आज का व्लॉग मेरी सिस्टर के नाम है, जिसकी आपको पता है बस शादी है कुछ दिनों में इंशाल्लाह। तो आज वो अपनी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र लाई थी तो वो सेट करनी थी, मैंने कहा चलो आज कुछ नहीं तो मैं इसी का व्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि सब तो हर कोई पसंद करता है वेडिंग से रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो। तो जब बच्चे सो गए थे मैं ये बाज़ार जाती हैं तो फिर ये मुझे रोक लेती हैं एक दिन, और हमारे घर में भी कुछ एसी की सर्विस वगैरह हो रही थी रात को देर तक, तो फिर मैंने कहा मैं रुक जाती हूँ। तो रात में फिर रुकती हैं कि आज गई थी कल शॉपिंग करके आई हैं, अपनी जो मेन तकरीबें हैं उसके कपड़े भी ले आई हैं। तो इसके अलावा फिर ये रात में बैठ के हमने ऑर्गेनाइज़ किया और ये तो हम ये कर रहे थे, और इन्होंने दिखाया कि अपने व्लॉग में दिखाई गई, ये इनके मंगेतर ने गिफ्ट की थी, जे से उनका नाम आता है, एन से इनका नाम आता है, तो वो दोनों के नाम को मर्ज करके जो आजकल फैशन में है, तो ये हर वक्त उनके साथ रहता है, पहनती है। और इसके अलावा जो भी ज्वेलरी है ये सब अभी नई ख़रीदी हुई है, ज्वेलरी कलेक्शन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो गई है नई, तो अभी जो उसको पसंद आती जा रही है वो लेती जा रही है छोटी छोटी सी, क्योंकि ये इस तरह से घर में भी पहनने में आ जाती हैं। और इसके अलावा जो भाई की शादी की, अभी इसने ज्वेलरी रखी है आपके सामने, ये इसके भाई की, हमारे भाई की शादी की है, उनको भी एक साल ही हुआ है, तो अभी सब कुछ नया ही है, ये सब उसी में से कुछ इंस्टाग्राम से छोटा मोटा जो पसंद आता जा रहा था तो वो ये ऑर्डर करती जा रही थी। और रिंग्स की कलेक्शन आप देख सकते हैं, और मज़े की बात यह है कि ये और इनकी सास दोनों रिंग्स के दीवाने हैं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए सिर्फ रिंग्स चाहिए। तो इत्तेफाक है कि इनकी सास मेरी खाला वो भी ऐसी हैं, और आप देख सकते हैं अभी इनके हाथ में अभी तक वॉच रहती, इसके सारा दिन वॉच रहती है हाथ में, क्योंकि बस शौकीन है इन दो तीन चीज़ों की, इसके अलावा उसको फालतू कोई शौक़ नहीं है। और ये अम्मी को काम दिया गया है कि इसमें से रिंग्स निकालें आप, तो वह नई जगह घेरेंगे वो। और ये इनकी वॉचेस हैं, ब्रेसलेट्स, इन सब का ऑर्गेनाइज़र, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये एक तरीके से सारी ऑर्गेनाइज्ड हो गई चीज़ें, आप निकालें मैचिंग करें और पहन लें। और इसके अलावा बाकी भाइयों की शादी की भी है इसमें, इंशाल्लाह शादी की जैसे जैसे तैयारियां होती जाएंगी मैं आपसे शेयर करती जाऊंगी। आज मैं आपको इसके मेहंदी माइयों के भी सूट दिखाती, लेकिन अभी वो स्टिच होने जाएंगे क्योंकि बेल नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमें भी वर्बली बताया है तो सोचने में तो अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, तो जब सिल जाएगा तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और ये नथ वगैरह इनके पास थी क्योंकि ये भाभीियों की थी, क्योंकि शादी को टाइम था तो ज़रा एक दो बार दुल्हन बनने की रिहर्सल भी हो गई। ये हम जब बहनें मिलते हैं ना, कि कोई भी बहनें ऐसी होती होंगी जब भी मिलती हैं तो फिर यही सब होता है, हो चुकी है अब इंशाल्लाह रियल में बनेंगी इंशाल्लाह। और ये मेरे भाई ने दिया था, गेट रुकाई उनकी की थी जब हमने कमरे में जो बहनें करती हैं दरवाज़ा रुकाई, तो मेरे पास एक रेड मेरे पास है और एक ये इनका है, तो वो भी कह रही थी कि टूट गया इनको सही करा दीजिएगा चेन को, काफ़ी चीज़ें जो हैं सेट हो गई अपनी जगह पे। तो ये अब इनकी सिर्फ इयर रिंग्स हैं, तो मैं इसको यही बोल रही थी कि कितनी तुमने चीज़ें जमा कर ली, तो ये कह रही मेरी कुछ पुरानी चीज़ें हैं और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये ख़ास तौर पर दिखा रही थी कि ये 9-10 साल पुराना ये टॉप्स था जब ये मेरी शादी हुई थी, उसके बाद नया इन्होंने लिया था, जब इतनी पुरानी बात है ये, तो काफ़ी चीज़ें संभाल के रखी हैं। और निकलता जा रहा था सामान पिटारे में से, और जब कुछ निकलता था वो कहती है ये रह गया, ये दिखा रही है, ये इनके मंगेतर ने गिफ्ट किया था। और याद आ गया होगा आपको एक किस फिल्म के लॉकेट से मिल रहा है, तो बहरहाल अब ये फ़ाइनल लुक है, ये सब चीज़ें रख दी हैं। फिर निकली चूड़ियाँ, तो मम्मी ने कहा इसकी तो जगह है नहीं, तो इसको अलग से एक प्रॉपर उसका केस आता है उसमें लेके, तो वो तो कोई भी ले जाएगा साथ। चले जी, हो गई सेटिंग पूरी, और अब ये नथ मैंने कहा कि मैं दिखाऊँ आपको करीब से, ये मेरी भाभीियों की है, दोनों ने यूज़ की,
इसके अलावा ये, लेकिन अम्मी की जो हमारी नात है वो अभी तक माशाल्लाह से चल रही है, ये वो वाली यूज़ करेंगी कह रही है। और मेरी जो नात थी वो मेरी नंद लाई थी, तो वो आगे फिर जैसे कि नस्ल दर नस्ल चलती जा रही है, वो अभी मेरे हाथ में वापस आई नहीं है। तो बस मैं देख रही थी तो मुझे अपनी चीज़ें याद आ रही थी कि कितना अच्छा है, वो चीज़ें होती हैं यादें वाबस्ता होती हैं, इनसे कभी भूल नहीं सकते। मैं सब चीज़ें देख के फिर अपना याद कर रही थी। बहरहाल बस मुझे यही शेयर करना था, मैंने कहा चले आज मैं अपनी बहन की खुशी शेयर करती हूँ, क्योंकि वो फिर बहुत खुश हो रही थी चीज़ें सेट करके और हम लोग भी खुश हो रहे थे। अब ये दोबारा खोला गया था कि इसकी चाबी रह गई थी, लेकिन इसके अलावा ये आपको पहन के दिखाएंगे। ये बीच की उंगली में पहनने की रिंग्स हैं और ये पता नहीं कैसे इनको एडजस्ट हो जाती है। मुझे तो हाथ में कोई चीज़ पड़ी हुई हो तो मुझसे कोई काम ही नहीं होता, और ये मेरी बिल्कुल अपोजिट है, इनको इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है। चलें जी, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे और भी चीज़ें। अल्लाह हाफिज़।